नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आ चुका हूँ एक बार और खतरनाक मेगा रैम चैलेंज लेके आप सभी को लिए, जहाँ पे हमारे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंडल्स हैं। आज मैं जानता हूँ मेरे साथ सिंचन नहीं है, लेकिन वो अपने घर से कमेंट्री करेगा। फ्रैंकलिन भैया, मैं घर से ही कमेंट्री करूंगा क्योंकि मुझे कोरोना हो गया है। और आज का ये मेगा रैम चैलेंज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे नए बंडल्स आए हैं। और देखो फ्रैंकलिन भैया, कितनी सारी एरोप्लेन यहाँ नीचे रखी हुई है और नाव भी, इनके ऊपर से हमारे बंडल्स को जाना है और यहाँ आखिर में फिनिश लाइन तक पहुँचना होगा। और आज हमारी रेस में आए हैं डीजे के और लाल अपराधी अपने खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक के साथ। और हमारे आने वाले अगले बंडल है खतरनाक फायर पास के नए जोकर, और उनके साथ है ये जहरीले पुरुष जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं। और हमारे अगले कंटेस्टेंट है ये हंटर किंग जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे आ चुके हैं हमारे जय भैया, और ये जोकरों की गैंग आई है इस बार चार के चारों, और ये हमारे केओ नाइट बंडल और आलोक भैया अपने नए ट्रक के साथ। ओह फैंटास्टिक, तो फिर से एक बार मैं आ चुका हूँ इतनी खतरनाक रेस को लेके। ओह सॉरी, मैं तो कमेंटेटर बनने लगा। ओह सॉरी गाइस, लेकिन ये बहुत फैंटास्टिक कमेंट्री करते हैं, तो इन सब के लिए एक एक लाइक तो जरूर कर देना और कमेंट में एकदम से इतना प्यार भर दो कि मेरी गाड़ी के पीछे से बूस्ट निकल आया आज। तो देखो आज मैं अपनी बिलियनर वाली बाइक लेके आया हूँ, आज तो मैं इन सबको दिखा दूंगा कि डर के आगे जीत है और भी बहुत कुछ है, वो मेरे जीतने के बाद ही मैं पता चलेगा। देखो क्या ही बूस्ट मार रही है मेरी बाइक। ओ माय गॉड, ये साइंटिस्ट मेरे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आज मैं उड़ूंगा। देखो मेरे बाइक के पीछे पंख भी है। ओ यार, तो यहाँ पे हमारे जय भैया निकल चुके हैं अपनी खतरनाक बाइक लेके, जहाँ पे उनके पीछे बूस्ट लगा हुआ। ओ भाई साहब, क्या ही आग छोड़ रही है इनकी बाइक। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आपने क्या ही बात बोली, इनकी बाइक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है मुझे। ओ जय भैया तो नीचे गिर गए। ओ दैट वाज अ फैंटास्टिक मैन, लगता मेरी बाइक के एरोडायनामिक्स में कुछ ना कुछ तो लोचा हो गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। जब तक तुम लोग मेरे साथ हो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। देखो अब मेरी पावर बूस्ट मोड। ओह ये फैंटास्टिक, मैं जी सकता हूँ, मैं जी सकता था। ओ मैन, ओ ये पानी कहाँ का है, ये स्मेल बहुत गंदी है। अरे जय भैया, यहाँ पे पूरे शहर के नाले का पानी जमा होता है इसलिए ये गंदा है। आज की रेस तो मैं ही जीतूंगा। मेरे भाइयों के साथ पहले तो मैं अकेला आता था, लेकिन अब कैसे हो भाइयों, तैयार हो जीतने के लिए? आज तो हम ही जीत गए, आज हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम ही जीतेंगे आज, आज हम ही जीतेंगे, आज हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भाइयों जल्दी आओ, आज आज इस कार से जो भी सामने आएगा उसको सामने से उड़ा दूंगा। वैसे भाइयों, मैं तुम लोग को एक चीज बताना भूल गया, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी आज हम ही जीतेंगे। फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इन जोकरों से, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, और इनकी कार देखिए कितने ज्यादा कांटे लगे हुए हैं, पता नहीं किस काम आते हैं ये। अरे चंचन तू घबरा मत, ये बस एक रैम चैलेंज है और इसमें बस खतरनाक कार था। ओ माय गॉड, इनकी कार तो सिर्फ देखने में ही खतरनाक थी, और भाई दम तो है ही ना इसमें ये तो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, इन लोगों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, इसीलिए तो ये कार नहीं चला पाए। भाइयों कैसा लगा, मेरी ड्राइविंग कैसी लगी तुम लोगों को, मजा आया कि नहीं? अरे ये जो कर दो पहले ही आ गए, मैं ही हूँ असली जोकर। लौता जोकर, देखो मेरी कार को। अब देखता हूँ कौन मेरे से आगे निकल के दिखाता है। फेनम, तुझे क्या लगता है?
सारे को कोई ना रोक सके है जीतने से। आज तो ये गालियां बवाल मचा दे मेरी। ओ बवाल बवाल कोई नहीं जीतेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो लग रहा है ये फायर पास वाला जोकर तो दमे का पेशेंट है। कैसे हंस रहा है ये। अरे मैं भी इसकी नकल कर सकता हूँ यार शिनचैन। वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी एक्टिंग। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप इसकी नकल करना छोड़ो और इसके ऊपर ध्यान दो। ओ भाई साहब, क्या ही खतरनाक है इनकी कार। ये तो किसी के अगर आगे आ जाए तो भाई उसकी तो चटनी बना देंगे, लेकिन ये तो पहले ही गिर गए। नहीं यार होगा वेनम, जल्दी बाहर आ, हमें आगे जाना है। वो रही ना हो नाव को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अब मैं पहुंचूंगा फिनिश लाइन तक। वेनम वेनम जल्दी आ जा, हम जीतेंगे साथ में। अरे कंडी को मंडी को जीतने से कोई नहीं रोक सके, अब हम ही जीतेंगे। ओ आगे हम फिनिश लाइन के पास, कोई नहीं जीतने से रोक सके हमको। इन लोगों को क्या लग रहा है कि ये नाव से यहाँ तक पहुंच जाएंगे चीटिंग करके, तो ये सब जीत जाएंगे। आप सबको बताया जा रहा है कि आप सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके। अरे भैया जी, मुझे तो लगता है ये जोकर पागल हो गया है। ये क्या कर रहा है, ये हम सबको भी डिस्क्वालीफाई करवाएगा लग रहा है भैया जी। के भैया क्या बोल रहे हो तुम? अरे देख अपराधी, तू जो भी कर रहा है, लेकिन एक उंगली में थूक लगा और दूसरे में भी थूक लगा और दोनों को कान में डाल ले, लेकिन हमको ये रेस जीतनी है, तो तू भी आ जा और देख अब हम कैसे ही आग लगाते हैं। अब तू देख बस, ये तो भाई आज ये शुरुआत है हमारे रैम चैलेंज की, लेकिन आज हम इस मॉन्स्टर ट्रक से आग लगा देंगे सब जगह, बस तू देखता जा। अरे भैया जी, लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रक आप लाए कहां से? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है हमको। इसके बड़े बड़े चक्का कहीं हमको इतना दूर न पहुंचा दे बाउंस करके कि हम लोग वापस आ ही न पाए यहाँ। अब तू चुप होता है कि तुझे ही चक्के के नीचे डाल दूं? जल्दी जल्दी गाड़ी भगा, नहीं तो अब तेरे लिए शामत आने वाली है। अरे भैया जी, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। अरे हम तो सिर्फ चक्के की तारीफ कर रहे थे आपके मॉन्स्टर ट्रक की। अब देखिए कैसे ही स्पीड पकड़ाते हैं इसको भैया जी, अब गुस्सा नहीं होइए। अब देखते हैं ये लाल अपराधी और हमारे डीजे के भैया कितना तेज गाड़ी भगा पाते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, इनका मॉन्स्टर ट्रक तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। ओ माय गॉड, ये तो आगला खड़ा कर रहे थे और इनके इनके सामने से कुछ पिचकारी भी निकली थी, और लेकिन ये तो जोकर से भी पीछे रह गए। इनका मॉन्स्टर ट्रक तो लगता है कहीं जा ही नहीं पाया। अबे साले अपराधी, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने ये बोला था कि बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ रही है, लेकिन तू तो यहाँ पे पहले ही कूदा दिया। अपराधी तेरी ऐसी की तैसी। अरे भैया जी, हमको माफ कर दीजिए, हम तो अगला उठा के देख रहे थे। गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आलोक कैसे बोल रहा हूँ, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। नहीं, ये गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। अरे तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ, गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। अरे लड़ना झगड़ना बंद करो, गाड़ी कौनो चलावे, हमें जीतने से मतलब है तो चला है कि हम तुम्हें मॉन्स्टर ट्रक दिखाई अपन गोल्डन मॉन्स्टर ट्रक। आज ये रेस तो हम इन पचे जी तब कहा कर सके थे, इन सारे हरे सब नोब है तो चला गुरु हो जय सुरु। और गाइस, जो भी चाहते हो कि डीजे लोग ये रेस जीते तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ना। फ्रैंकलिन भैया, आपको क्या लगता है हर बार की तरह आलोक भैया ही जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अरे यार कुछ कह नहीं सकते यार शिनचैन, यहाँ इस रैम चैलेंज में कोई भी कभी भी लुढ़क सकता है, और खासकर जिनके पास मॉन्स्टर ट्रक है वो तो डर ही के रहे। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, आपको बता रहा था आलोक भैया ही जीतेंगे। आलोक भैया गो, आप ही जीतोगे अपने गोल्डन मॉन्स्टर ट्रक में। वाह क्या गजब की छलांग लगाई है इन लोगों ने, मुझे तो लग रहा है कि ये तो भाई साहब नाले में गिरेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या बोला, नहीं आलोक भैया वो सुअर का पानी। अरे इस नाले की खुशबू हमारे गांव की तरह आ रही, हमारे गांव में भी एक ऐसा ही नाला है, वहां भी ऐसी खुशबू आती थी।
अरे यार गेव तू क्या बोल रहा है यार, कितनी गंदी बदबू आ रही है, तू कैसे रह लेता है, जल्दी निकल यार। फाइनली मेरी बारी आई गई, अब मैं इन सबको दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हंटर किंग और अपनी हंटर बाइक के साथ आया हूँ। मेरी बाइक देखो, क्या ही खतरनाक बाइक लग रही है। इस बाइक को देखने के बाद तो तुम्हें बाहुबली के दंगावली के रथ की याद आ गई होगी। देखो आगे जो चक्री लगी है वो उसी से इंस्पायर होके मैंने लगाई थी। अब देखो जो भी सामने आएगा उसे उड़ा दूंगा। ओ भाई साहब ये क्या बवासीर बाइक है, कितनी खतरनाक लग रही है। तो सच में भाई यार बाहुबली की उससे बाइक बोला मैं, रथ से भाई कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके भी आगे रथ में लगे हुए थे दो उड़ाने वाले लोगों को, लेकिन इसने बाइक में क्यों लगवाए हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया बहुत ही खतरनाक बाइक लग रही है, मैं तो फैन ही हो गया इनकी बाइक का, हंटर किंग भैया के। ओ माय गॉड लग रहा है ये जीतेंगे। नहीं लग रहा है मेरा दाया पैर टूट गया लेकिन मैं जीत गया। बुया। तो हमारे आज के विजेता हैं हंटर किंग अपनी हंटर बाइक के साथ, क्या ही गजब का दिखाया इन्होंने प्रदर्शन, मतलब एक ही बार में जीत गए बिना किसी पसीना बहाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फैंटास्टिक है, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना।